सो हेलो गाइस, तो हम पिक्सआर्ट में चलते हैं और हमारे फ़ोटो को एडिट करते हैं। तो पिक्सआर्ट के ऐप के ऊपर टैप करेंगे और कुछ इस तरह का हमारा पिक्सआर्ट ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही पिक्सआर्ट ऑन होगा तो सबसे पहले प्लस के आइकन पर टैप करना है। प्लस के आइकन पर टैप करेंगे और यहाँ पर आपको ये बैकग्राउंड वाले ऐप पर सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमें ब्लैक वाले इसको चूज़ करना है कलर को, तो ब्लैक कलर को चूज़ कर लेते हैं। और ब्लैक वाले कलर को चूज़ कर लिया और अब हम इसकी साइज़ को 9x19 के रेशियो में सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं क्रॉप में जाएंगे तो हमें ये इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट वाला फ़ोटो फ्रेम ठीक लग रहा है, तो इसको नहीं तो ये पोस्ट है पिंटरेस्ट वाली, इसको भी ठीक सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाली लंबाई चौड़ाई सही है तो इसको ऐड कर लेते हैं। तो देख सकते हो हमने सबसे पहले ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है, तो ऐसे आपको भी कर लेना है। और उसके बाद में आपको चले जाना है ऐड फोटो वाले सेक्शन में। तो हम फोटो को ऐड करेंगे, मतलब हमारे फ़ोटो की PNGs वगैरह वगैरह को ऐड करेंगे। तो इसमें जाएंगे और फोटो तो सबसे पहले लेके आएंगे इस वाले फोटो को, इसको ले लेते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट में हम इस वाले को लेके आ गए हैं, इसको लाके हम इस तरह से सेट कर देंगे। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसको यहाँ ऐड करते हैं, फिर से ऐड फोटो में चलते हैं और वहीं पर जाके उसी वाले को लेके आएंगे और सेकंड वाले को लेके आएंगे। अब हम एक साथ में 2-3 को भी चूज़ कर सकते हैं, तो मैं एक साथ में दो को लेके आता हूँ। एक तो ले लेते हैं इस वाले स्मोक को और एक इस वाले स्मोक को ले लेते हैं। दोनों को ऐड करते हैं यहाँ पे पहले, तो पहले इस वाले स्मोक को ऐड करते हैं। इसको लाएंगे यहाँ पे, बड़ा करेंगे और यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उसके बाद में इसको बैक में भेजेंगे, तो इसको मूव डाउन करना होगा, तो ये बैक में चला गया। अब है हमारा ये वाला, तो इसको हम ऐसे लाएंगे, कुछ इस तरह से बड़ा करेंगे और यहाँ पर ऐड कर लेंगे। इसकी ब्लेंडिंग को चेंज करना होगा हमें, तो इसकी ब्लेंडिंग को ऐसे चेंज कर सकते हो। ये लाइटन कर देते हैं इसकी ब्लेंडिंग को, ओके। तो इसकी ब्लेंडिंग को लाइटिंग हमने कर दिया है और अब हमारी मेन PNG को लेके आएंगे, जो कि फोटो PNG है एक, तो उसको लेके आते हैं। आप इसकी जगह पर अपनी भी एक फ़ोटो PNG बनाकर ऐड कर सकते हो। तो हम चलते हैं, यहाँ से हम अपनी फ़ोटो PNG को सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं ये येलो वाले फ़ोटो की PNG को ऐड कर रहा हूँ, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लेके आएंगे और बड़ा कर देंगे। तो देख सकते हो ये काफ़ी शानदार लग रहा है, और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद में हम एक और PNG को लेके आएंगे, प्लस पे टैप करेंगे और ऐड फोटो में चलेंगे। एयर फोटो में जाने के बाद में उसी वाले फोल्डर में जाएंगे। ये पूरा का पूरा फोल्डर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप भी वहाँ से इन सभी बैकग्राउंड को डाउनलोड करके आप भी सेम ऐसी ही फ़ोटो बना सकते हो। तो हम इस वाले को ले लेते हैं, ये स्मोक है
इस स्मोक को आप ऐड कर देंगे तो एकदम हमारा फ़ोटो रियलिस्टिक लगेगा, जिससे कि एकदम फ़ोटो में बहुत ही शानदार टोन आएगी। और फिर से प्लस पर टैप करेंगे और एक कलर फ़ोटो है जिसको हम लेके आएंगे और उसको यहाँ लाके ब्लेंड कर देंगे। ये वाला कलर फ़ोटो है तो इसको ले आते हैं, ये यहाँ आ गया है, इसको बड़ा कर देना है और इसकी ब्लेंडिंग चेंज कर देनी है। तो यहाँ लेंगे नीचे ब्लेंडिंग मोड पे ओके करेंगे और स्क्रीन जो आपको ठीक लगे आप अपने अनुसार ही कर सकते हो। तो हमको ये ओवरले वाला इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर इसका कलर थोड़ा ज़्यादा है तो हम इसको ओवरले ठीक है इसकी ओपेसिटी को कम कर लेंगे। तो ओपेसिटी ऑप्शन में जाएंगे और उसकी ओपेसिटी को कम कर लेंगे। थोड़ी सी फुल रख सकते हो और जैसे हमारे फेस के ऊपर अगर ज़्यादा कलर आ रहा है तो वहाँ से हम इरेज कर सकते हैं। इरेजर वाले टूल में जाएंगे, इरेज पे क्लिक करेंगे और फोटो को जूम करके फेस को हम हटा देंगे। तो फेस को हमने इरेज कर दिया, थोड़े से हैंड भी ज़्यादा कुछ कलर हो रहा है उनमें भी, तो उसको भी कलर से कर सकते हैं। इससे पहले हम जैसे कि इसकी हार्डनेस है इसको थोड़ा कम कर देते हैं तो एकदम नेचुरल टाइप का दिखेगा, ऐसा नहीं लगेगा किसी ऊपर नहीं चढ़ेगा, हैंड ही खुल जाएंगे हमारे। तो अब आप देख सकते हो हेयर कलर है इसमें, तो रहने दो कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद में हम राइट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा फोटो लगभग अब तैयार हो चुका है। तो दोस्तों मुझे बताना कि आपको ये वाली एडिटिंग कैसी लगी। अगर ऐसी ही एडिटिंग आपको पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर से फॉलो करना और एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो हम हमारे फ़ोटो को सेव कर लेते हैं। यहाँ डाउनलोड वाले चिन्ह के ऊपर ओके करेंगे तो हमारा फ़ोटो सेव हो जाएगा।